हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है। और पाइथन प्रोग्रामिंग में एक प्रोग्राम हम देखते हैं, प्रोग्राम क्या है आइए आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो पाइथन को ओपन करते हैं। तो यहाँ से पाइथन की जो ट्रेडिशनल आईडी है उसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये ट्रेडिशनल आईडी ओपन हो रही है। अब यहाँ पर एक कोड मैं लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक्स में स्टोर करा देता हूँ 5, ठीक है। एंटर करता हूँ और यहाँ लगाता हूँ वाइल लूप, ये लगा दिया वाइल लूप। और यहाँ पर लिखा एक्स इज लेस देन 10, एक्स इज लेस देन 10 लिखा, कॉलन लगाया और एंटर कर दिया। और एंटर करके यहाँ पर इंटू इज इक्वल टू क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया एक्स अपॉन 2, ठीक है। तो अभी इसका आंसर क्या आएगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? अगर आपको आता है तो बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। तो वैसे कमेंट कर सकते हैं, वैसे मैं दिखाता हूँ। क्योंकि तो यहाँ पर कंडीशन में दिया गया है एक्स इज लेस देन 10, ठीक है। और यहाँ कहा गया है x इंटू, यानी x में गुणा कर दीजिए, x अपॉन 2 जो आए उसमें x का गुणा कर, मतलब कहने का ये मतलब है कि गुणा होते जाएगा। तो यहाँ पर x अपॉन 2 का मतलब हो जाएगा ढाई, और ढाई में कितने का गुणा करना है, तो ढाई में जो गुणा करना है हमें 5 का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ चूंकि 5 दिया गया है, न इंक्रीमेंट हो रहा है न डिक्रीमेंट हो रहा है, तो ये 5 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो अगर 2.5 में 5 का मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा तो ऐसे में क्या आएगा आंसर, 12.5 ही तो आएगा। तो यहाँ पर इसको चलाते हैं तो देखिए ये 12.5 आपके सामने आ गया है।